हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो भाई मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया है तैयार। मैंने एप्पल काट लिया है, बादाम खाऊंगी और दूध गर्म होने लग रहा है, इसके बाद मैं पीऊंगी चाय, क्योंकि अभी चीनू सो रही है और चीनू ही बनाती है चाय। तो जब तक मैं एप्पल खा लेती हूँ, हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। तो चलो भाई खाते हैं एप्पल। तो गाइस गाड़ी साफ हो रही है, अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। और ये यहाँ पे काम चला हुआ है, ये यहाँ पे सब अब एक जैसा हो जाएगा। पहले ये पत्थर एक जैसे करेंगे, फिर इनके ऊपर ना ये मिट्टी आ जाएगी। ये देखो कितनी सारी मिट्टी डलवा दी है यहाँ पे। तो गाइज एक बार हम जा रहे हैं सैलून, मैं और स्वाति बस अभी निकल रहे हैं। स्वाति खाना खा रही थी, तो देखते हो तैयार हो गई है या नहीं। हो गई तैयार? गाड़ी तो मैंने करवा दी थी साफ, मैंने कहा तू तो उठ ही नहीं सो के। अभी हमें लगेगा पौना घंटा वहां जाने में, और मौसम आज बहुत अच्छा है और स्वाति का मूड भी अच्छा मूड है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, अभी हमें पैदल में लगेगी एक मिनट, क्योंकि आगे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी ना, तो हम पैदल ही निकल रहे हैं। पार्किंग की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, रोडों पे ही करनी पड़ती है, तो बनवा देना पार्किंग। बोलो कुछ कुछ भी और क्या, कुछ भी पार्किंग ही तो बनानी है, कुछ भी क्या है। स्वाति नहीं बनवा रही, मैं बनवाऊंगी पार्किंग, ठीक है तू मत बनवा, ठीक है अब। तो अभी मैं करा रही हूँ पेडीक्योर। हमने अपना काम करा लिया, मैंने फेशियल कराया और स्वाति ने वैक्सिंग, और मैंने भी कराई है वैक्सिंग। और अभी जा रहे हैं घर पे, कुछ रास्ते में से अगर खाना होगा तो खाएंगे। खाएंगे कुछ देखते हैं, मेरे को तो नारियल पानी पिला दिए बस। ओके ठीक है, तो स्वाति अब मेरे को पिलाएगी नारियल पानी, तू भी पिएगी या मुझे पिला रही है? और यहाँ पे हमें मिल गया नारियल पानी। ठीक है बताओ कैसा है? बहुत भारी है ये, बहुत मोटा है, मेरे को लग रहा पानी कम मिलेगा। सही है, सही है। एक तो खराब निकल गया जो मेरे लिए काट रहा था, कोई खराब निकल गया। लस्सी दे दी थी। तो गाइस चियो ने बना दी है चाय स्वादिष्ट वाली, और दो बिस्किट के पैकेट खाएगी तू? नहीं ये खाऊंगी बस। कौन सा? सीएनसी। स्वाति कहाँ है? बाहर। चाय तेरी? मेरी, पी रही हूँ। मेरी कहाँ है? चिनू से पूछो। मैंने सोचा यहाँ रखी हुई है, खुद तो वहां बैठ के पी रही है अकेले। कौन? चीनू।
पूछो उससे कहाँ रखी है। मेरी चाय कहाँ है? डुलुए में। मैंने सोचा वहां दीदी के पास रख रखी है। आपके ढक्के बाहर रख रखी है। ठीक है मम्मा। मेरी कितनी रोटी बन जाएगी? कितनी खानी है बोलो? दो ही खाने हैं ऐसे तो बन क्या जाएगी? जितने खाएगी उतनी बन जाएंगी। दो बनानी है? तीन? दो। देख बिल्कुल गोल रोटी और बिल्कुल फूलेगी। हे भगवान फूल जाइए कभी यही ना फूले। हे भगवान फूल जाइए। भगवान कैसे फूल? मतलब भगवान जी रोटी को फुला देना। फूल गई। इतनी अच्छी रोटी बन रही थी, ये भी बनी गई है ना। बढ़िया से की ना। तो इतने सालों से बना रहे हो आप? कई बार होता है एक भी रोटी नहीं फूलती, इसमें अटक के स्टैंड में और फट जाती है। पलटा इसे। पलट। सलाद भी मैंने काट दिया है। नमक डाल दो? हाँ डाल दे, बस बन गई रोटी। कानू को खाना खिला दिया मम्मा ने। कानू का डिनर हो गया और हम भी खाने लगे। सलाद सलाद है, सलाद है, भिंडी की सब्जी है। पर सब्जी कम है। सब्जी कम है? हाँ दो जनों को ही तो खानी है, इसमें चल जाएगा काम। मतलब चटनी वगैरह नहीं बनाई मैंने कि दो को ही खानी है। हाँ फिर वो चटनी बचती। कोई नहीं चल जाएगा काम। ठीक है तो गाइस सुबह के लिए मैंने भिगो दी है राजमा। और आज जो घी बनाया था ना सारा जल गया। ये देखो घी की हालत, रख के भूल गई मैं और ये सारा घी जल गया। ये देखो काला हो गया बिल्कुल। तो भाई आधा किलो घी का नुकसान हो गया है। चीनू को देख लेती हूँ क्या कर रही है। क्या कर रही है चीना? क्या काम कर रही है? तो कितनी देर काम करेगी तू? आज स्कूल नहीं गई, वो वाला करूंगी बस एक डेढ़ घंटे। कल जाएगी स्कूल या कल भी छुट्टी मारेगी? जाऊंगी। छुट्टी मार ले, तेरा ही लॉस होगा, मेरी बातों पे मत चल, खुद का देख ले। मैं तो मजाक कर रही हूँ, तू सीरियसली होगी। क्यों बोल रहे हो? क्या बोलूं? और ये बोल कि मैं तो जाऊंगी, मैं काम कर रही हूँ अपना, मैं जाऊंगी कल स्कूल। बोल अब, जुबान सिलगी, चल भाग यहां से। तो गाइस स्वाति ने ये सूट सिलवाया है, देख लो इसका सूट, देख लो। पहनेगी तब देखेंगे, ऐसे तो तय में क्या ही दिखेगा। थोड़ा कैसा डिजाइन करवाया बाजू पे? थोड़ा लूज है ये, इसकी फिटिंग करानी है अभी। अरे ये फिर से लूज रह गया। ये देखो बाजू का डिजाइन। तो भाई कैसा लगा स्वाति की बाजू का डिजाइन, कमेंट करके बताना। और किस किस के पास ऐसी बाजुए हैं? गर्ल्स के पास अच्छा लग रहा है वैसे तो, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, ये प्रिंट भी अच्छा है। पूरा अगर रंग तो नहीं उड़ जाएगा इसका? नहीं उड़ना तो नहीं चाहिए, नहीं उड़ता, और पता नहीं उड़ता तो नहीं। अगर पूरा ऐसा हो नीचे इसका लोअर भी ऐसा ही हो तो कैसा लगे? अच्छा नहीं लगे? अच्छा लगे बट ये कैसे कपड़ा सिलवाया? क्या ये तो दादियों वाला है, जो बूढ़ी बूढ़ी दादी पहनती है। तो आप पहन लो। है नहीं सच में भाई? नहीं मैंने तो देखा है, माँ ऐसे ही पहनती थी। इसको तो माँ के सूट याद आ गए। तो तुझे नॉलेज है ही नहीं फैशन की। अच्छा नहीं मैं तो एक बात बता रही हूँ, ऐसे माँ पहनती थी ना। वैसे चीनू ने सही बताया, इसके कहने के बाद मेरे को भी लगा। तो माँ ने पहन लिए तो बूढ़ियों वाला हो गया, दादियों वाला हो गया। हाँ ये भी बात सही है, सारी दादियाँ ऐसे ही पहनती है। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा था ये इसको, इसीलिए इसने ले लिया वहीं। अब मेरा बैग सूट सिलवा दो दिवाली के लिए। प्लेन लाएगी या प्रिंट में? देखूंगा जाके। वहां से नहीं लेंगे पर कहा से लोगे फिर? साथ चल के ले मेरे। आपके पास कपड़े रखे होंगे वो देख लूंगी, नहीं तो साथ चल। मेरे पास है एक डॉट वाला, अच्छा लगेगा वो, व्हाइट पे डॉट है ब्लैक। व्हाइट नहीं सिलवाऊ, मेरे पास व्हाइट है वही चुप रहे हो दोनों के। तो अच्छा तो है वो। अब ये जो मैं वाला जिसके आप वो है, अब ये जो मैं पहन रही हूँ ये डॉट वाला इतना अच्छा लगता है। मेरे को व्हाइट और ब्लैक नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे को अपना ये सूट बहुत पसंद है। आई डोंट वॉन्ट, मतलब दोनों का क्या मतलब है? क्या
वो ऐसे बोल रही, तू डंडा दिखा रही है। मैंने कब दिखाया, मैं तो इसको हिला रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो गाइज आप लोगों से एक बात बोलनी है, जैसे कूड़ा आप लोग फेंकते हो ना, तो कूड़े में कभी ब्लेड मत फेंकना, क्योंकि उस कूड़े को गाय खाती है और गाय के मुंह में वो ब्लेड लग जाता है, उससे उसका मुंह सारा कट जाता है और वो बोल तो सकती नहीं ना उसको निकाल सकती। तो भाई ऐसे बहुत तकलीफ होती है गाय को। तो मैं सबको बोल रही हूँ जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो भाई कूड़े में कभी भी ब्लेड ना फेंके, जो भी ब्लेड फेंकते हो वो उसको तोड़ के और उसको मिट्टी में फेंक दो, ठीक है गाइस? ये काम कर देना, पुण्य का काम है ये। तो गाइस चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ और कल मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।